सबसे पहले एक वजन बताते हैं सजनो, के कौओं की डायर संगल के अंदर चलने के लिए जाती और एक कलंगड़ी गऊ जिसने एक बछड़े को जन्म दिया, वो बछड़ा कहता है केरी मां तू जंगल में नहीं गई। रे बेटा मैं पैर से लंगड़ी हूं, कोई शेर चीता आ गया तो मेरे को खा जाएगा। सजनो बछड़ा जीत करता है, राज हट बाल हट तेरी हट अपनी हट पर आगे तो आगे, बछड़ा अपनी हट कर जाता नहीं मां तना जाना पड़ेगा। सजनो वो लंगड़ी गऊ गऊ के साथ में चली जाती है और अचानक से वहां एक शेर आ जाता जंगल का राजा, सभी गऊ भाग जाती है, वो लंगड़ी गऊ वहीं पर खड़ी हो जाती है। शेर कहता है कि आज का शिकार मिला वो भूखा हूं। वो गऊ माता ने कहने लगी रे मूर्ख है, भूखा तो मेरा बेटा भी है जो आज दो तीन दिन का है। वो गऊ माता उस शेर को ज्ञान बताती है, कैसे दादा ने बात के द्वारा क्या लिखा क्या दर्शा रहा बताऊ, आज वर्ग का प्रार्थना दर्द है दस मिनट पाचा खेल लियो होता तो रागनी जमा जी का सुन दो उड़ान जा हम भी तारे बालक साहब और लो एक तो मारा आपसे हाथ जोड़े गुजारिश करूंगा किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आइए गुजर के द्वारा दादा ने क्या लिखा क्या उसे तपस्या करते ज्ञान से तुझे बिना
शेतर चाका पाल करके प्याज मूल सब के देना ज्ञान सिखाए व्यवहार चले प्याज मूल सब के ज्ञान सिखाए व्यवहार चले ज्ञान के कारण ज्ञान के कारण पृथ्वी चले ज्ञान के कारण पृथ्वी चले और वायु तेज आकाश खड़े ज्ञान के कारण सोकोश दूर योर ज्ञान के कारण पास ज्ञान से ऋषि ईश्वर के पास करे को मोक्ष करण में नू करके सत्य काम ने गुरु की गौ को सत्य काम ने गुरु की गौ को कितने दिन तक कचरा दिया जहां गई वहां साथ चला गया प्रेम से उतारी बना सत्य काम ने गुरु के वचन को धर्म नाम में तेला Yeah.
महेश समिति के अध्यक्ष 101 रुपए से अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद। कैसे चौथे नंबर पर सुनो वो बहु माता में बोली ये शेर अगर से मन सब न्यू ज्ञान होता मैं न्यू भी नहीं करती क्या क्या कहा लंगड़ी होगी ज्ञान प्यना बूटी ज्ञान प्यना तू मुझ तो कुछ तो ज्ञान करो भाई कहल थमी चंद भूल गए थम धर्म शरम की सपरा से अपने बच्चों को आशीर्वाद देती हूँ। धन्यवाद।